ह चीमा साहब एक अपेरेंटली पंजाब के अंदर फी वेवर की किया था आ, का जो बोर्ड है प्रविजन, वैसे ही कितने फॉरनर इस मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं पहली तो यह बात है भाई दो हजार बाईस से यह आपकी चीमा साहिबा जो है अपने कनेक्शन लड़ा के लगा के मगर इवेंचुअली कब हुआ पापा की परी आ गई <laughs> रूल्स गए आपके, खास चरने होगा वही जो हम चाहेंगे। पापा की परी मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत को आए हुए चंद ही हफ्ते हुए हैं लेकिन फिर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा शिकार गिरा दिया है मैं हूं अली मुस्तफा और आप देख रहे हैं लेट अली शो यू इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रिंसिपल एच कॉलेज लाहौर के जिन्होंने अपना इस्तीफा देते देते एक बहुत बड़े स्कैंडल को रिवील किया है यह स्कैंडल जिसके अंदर ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियंस पूरा इंतजामिया आप कह लें पंजाब हुकूमत का उसमें शामिल था किसलिए एक एम और ब्यूरोक्रेट के बच्चों को स्पेशल रूल्स और स्पेशल प्रोविजंस देने के लिए एचएसएन कॉलेज में यह सिलसिला चल रहा था 2022 से जब साइमा अहत चीमा ये हैं वाइफ ये फॉर्मर एम भी हैं और माँ हैं मुस्तफा अहद चीमा की और ईसा अहत चीमा की ये सब दोनों बच्चे हैं अहत चीमा साहब एक अपेरेंटली पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रैट हैं और उन्होंने एक फी वेवर की मुतालबा किया था गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट पंजाब से एच कॉलेज से वो 2022 से वो करती आ रही हैं लेकिन एच एस एन का जो बोर्ड है उन्होंने इंक्लूडिंग प्रिंसिपल यह कहा कि हम यह प्रोविजन एक्स्ट्रा प्रोविजन नहीं दे सकते लेकिन इसके बावजूद यह कोशिश करती रही uh, शुरू कर दिए और फिर इवेंचुअली तेईस मार्च 2024 को एच कॉलेज के प्रिंसिपल ने माइकल ए थॉमसन साहब जो पिछले आठ साल से एच कॉलेज के वो प्रिंसिपल हैं उन्होंने एक लेटर लिखा उसके अंदर कहा कि जी मैं इस चीज को कबूल नहीं करता कि स्पेशल प्रोविजन बनाई जाए कुछ लोगों के लिए कि उनके स्पेशल सर्कमस्ट है तो उनके लिए रूल्स चेंज या बेंड किए जाएं तो उन्होंने यह लेटर लिखा और उसके आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिसीजन एंड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइटिंग प्रीवियसली एट लेंथ टू सैयद बाबर अली कंसर्निंग द ब्रेक डाउन इन गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑवर द पास्ट ईयर एंड पर्टिकुलरली As per the last recorded minutes, based on premeditated manipulation of my letter to Governor House, I shall leave on Saturday, April 1st. I have also informed the Management Committee via Mia Khalid Rahman that I will not be attending the G30 conference in the UK late April. Yours faithfully. माइकल ए थॉमसन और टिकटॉक की जो हुकूमत मरियम नवाज शरीफ पापा की परी चला रही थी उसका एक नतीजा नतीजा तो यह आया है कि मेरिटोक्रेसी इज गॉन क्योंकि कोर्स खानदान ट्राइब रिश्तेदारियां दैट टेक्स प्रेसिडेंस आपके पास यहां पे वैसे ही कितने फॉरेनर्स इस मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं पहली तो ये बात है भाई कितने फॉरेनर्स काम कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर क्रिकेट टीम के अंदर कुछ होते हैं और मुझे नहीं पता था कि एच कॉलेज के अंदर अभी भी एच लोग मौजूद हैं जो बाहर से अपने स्किल सेट्स लेके आए हैं यहाँ पे करने के लिए काम और ये कोई आम आदमी नहीं है माइकल ए थॉमसन इसका बहुत तवील एक एजुकेशन के साथ ताल्लुक रहा है बाहर भी पाकिस्तान के अंदर भी और एच के अंदर स्पेशली इस शख्स ने पूरा एच का एक इको एक ट्रांसफॉर्म कर दिया था वहां पर इतना बड़ा लैंड है एच कॉलेज का अपेरेंटली वहां पर इन्होंने ऑर्चिड लगाए ऑरेंजेस uh, के और लेमन के यानी लींबू के और uh, मौसम्बियों के uh, इन्होंने वहां पे ऑर्चर्ड लगाए और ओवर टू और थ्री इयर्स वहां पे शहद की मक्खियाँ आना शुरू हुई उन्होंने शहद की मक्खियों के लिए वहां पे कंटेनर्स और उनके घर बनाए और फिर वहां पे शहद आना शुरू हो गया जिसकी फिर बॉटलिंग की उन्होंने उसको रिफाइन करके एज एच हनी के नाम से और फिर उसको उसके जरिए ये जो अंडर प्रिवलेज स्टूडेंट्स हैं जिनका एक कोटा भी मौजूद है उनको उनकी इनटेक करके उनकी बुक्स की कॉस्ट कुछ और खाने पीने की कॉस्ट उस तरह निकाली गई इस तरह के और कई कई इनिशिएटिव्स इन्होंने किए थॉमसन साहब ने और उनके साथ क्या हुआ 2022 से ये आपकी साइमा अहत चीमा साहिबा जो है अपने कनेक्शन लड़ा के लगा के किसी तरीके से कोशिश कर रही थी कि हो जाए हो जाए हो जाए मगर इवेंचुअली कब हुआ जब पापा की परी आ गई क्यों हुआ क्योंकि पापा की परी तो बस इन्हीं चीजों पर चलती है कि मैं मैं कह रही हूं पुश कर दो ये कर दो और ये सब लोग जिनके नाम इस लेटर पे मौजूद हैं सैयद बाबर अली चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी मेंबर मिस्टर आरिफ सईद मेंबर ख्वाजा अहमद हसन तो अब किस तरीके से अगर इंटरवेंशन होगी इस, इस इश्यू के ऊपर ही तो खैर इनकी अपनी मैनेजमेंट कमेटी है एच कॉलेज की मगर मुदाखलत अगर आपके प्रोविंशियल हेड, गवर्नर हाउस से या सीएम हाउस से या कहीं से हो रही है ऐसी चीज में अप, वो, <laughs> ऐसे इंस्टीट्यूशन को भी जो इनकी अभी भी थोड़ी बहुत इज्जत या उनके अंदर कुछ ब, बचा हुआ है उनको भी ये एक वैसे ही इदारा समझते हैं क्योंकि इनका एजुकेशन से कुछ ताल्लुक तो है नहीं ये खुद ही एजुकेटेड लोग तो है नहीं या सच आ, इनकी अपने यू you नो know, एजुकेशन अपने खानदान दरबारी उसके अंदर ही खत्म होती है तो जो भी अगर बाहर से क्वालिफाइड बंदा भी आके यहां पे काम करना चाह रहा है पाकिस्तान के लिए उसने इतनी इतनी चीजें की हैं नेक्स्ट जनरेशन आपकी एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं ये एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि जी बाढ़ में गए आपके रूल्स रूल्स गए आपके घास चरने होगा वही जो हम चाहेंगे और आओ जो कर लो फिर करना है फिर सही है फिर लोग कहेंगे सही है दैट्स इट ये यहां पर इस तरह नहीं तो नहीं आया तनख्वाह मिल रही है अच्छी, अच्छी खासी से तनख्वाह मिली आठ साल आपने दी प्रिंसिपल को अपना निज़ाम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए उनको प्रिपेयर करने के लिए एक ऐसी दुनिया के लिए जहां पे रिश्तेदारियां काम नहीं करती वहां पे आपकी काबिलियत काम करती है आपकी नॉलेज काम करती है आपकी ह्यूमिलिटी काम करती है आपकी एजुकेशन काम करती है आपकी तालीम और तालीम सिर्फ डिग्रियां लेने और किताबें पढ़ने से नहीं आ जाती इवन दो वो भी बहुत एक अहम इसका हिस्सा है तालीम आती है अख्लाक से तालीम आती है खलूस से तालीम आती है मेरिटोक्रेसी से कि आप ब्रादरी अगर आपकी है आप ब्रादरी के अंदर डफर भी आपका उसको आप आगे नहीं करें अगर आपके पास कोई पढ़ा लिखा बंदा है उसमें सलाहियत है हार्ड वर्किंग आदमी है वो या औरत है वो उनकी प्रमोशन से आती है सैदा शहरबानो नकवी के आ, के सर के ऊपर हार डालने से या किसी के रिश्तेदारी मोहसिन नकवी को क्योंकि आपकी वो है उससे करने से या मरियम नवाज़ शरीफ को वजीर अली बनाने से हकीकत को नहीं छुपा सकते हकीकत अपने आप को ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन रिवील करती है हाईएस्ट लेवल्स पे भी और एजुसन कॉलेज लाहौर के लेवल पर भी एंड ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है इसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है इसके अंदर uh, मेरे सामने फी वेवर फॉर ई वीजा आहत चीमा एंड मुस्फाहत चीमा ये भी मौजूद है इसके नीचे ऑर्डर भी है कि ये डेटेड है ऑर्डर 21 मार्च 2024 को कि जी ये सब चीजें हुई हैं मिसाइमा ये 2022 हजार बाईस से कोशिश कर रही थी और अब यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स गवर्नर पंजाब ने करके एक मीटिंग पांच मार्च 2024 को पोस्टपोन्ड बाय माय ऑफिस फॉर लेटर डेट कोई आठ या नौ पेज का ये एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है उसके अंदर और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी जो ये आपकी चाह रही है साइमा आहद चीमा साहिबा और इनके जो दो पुरथ हैं माशाल्लाह इनको अल्लाह लंबी उम्र दे मुस्तफ़ा हाज चीमा और ईसा हथ चीमा के इनके लिए स्पेशल प्रोविजन हो क्योंकि वो तो वहां पे होती नहीं है फी वेवर भी हो इनके लिए ये पैसे भी ना दें और इनको प्रोविजन दिया जाए कि अगर लॉन्ग लीव के जा रही क्योंकि इस्लामाबाद में होती हैं तो अपना यू नो कंटिन्यू करना चाहती हैं क्योंकि अपने बच्चे इनके जो है वो पढ़ते रहें एक जिसम का उनके ऊपर मोहर लगे ठप्पा लगे और फिर वो आगे जाके बाहर मुल्क भी अपना स्टडी कर सकें एलीट कॉलेज तो है ये अब एलीट कॉलेज के अंदर आप एलीट लोगों को लगाएंगे एलीट लोगों को इसलिए है कि भाई के पैसे दे रहे हैं आप उन्हें बाहर से आप स्किल सेट लेके आए इसलिए कि वो ब्रेकअप हो कि जो गवर्नमेंट कॉलेज का आपने हाल कर दिया है या गवर्नमेंट इधारों का आपने हाल कर दिया है यहाँ पे जैसे अस्पताल हो गए कॉलेजेस हो गए मेडिकल कॉलेज हो गए उनका जो हाल किया है वैसा हाल ना हो वैसी इन्वायरमेंट ना हो तो अगर आप रूल्स बेंड करना शुरू कर करेंगे तो जो ये एलीट कॉलेजेस हैं ये एलीट ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे यहाँ पे कोई आना नहीं चाहेगा कोई पढ़ाना नहीं चाहेगा यहाँ पे वही बस रबर स्टैम्प बूट पॉलिश चाटना उठाना यही सब चीजें होती रहेंगी ऐसे धारों के अंदर और फिर आपके वही प्रोटोटाइप निकलेंगे जिन्होंने इस स्पाइरल में आपको डाला है मगर एक और बात ऐसा नहीं कि एच कॉलेज से आपके लीडर्स नहीं निकले इस मुल्क के आपके बहुत सारे लीडर निकले हैं इन एलीड कॉलेज से ही चाहे वो एच हो लाहौर में चाहे वो ग्रामर uh, स्कूल हो कराची के अंदर uh, मेरन से इन दोनों इधारों से कोई ताल्लुक नहीं था uh, मगर मैं भी एक अंग्रेजी इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में गया था सेंट माइकल्स कॉन्वेंट के नाम से यहाँ पे वहाँ पे ज़्यादातर ऐसे बच्चे आते थे जो ग्रामर में uh, सेंट पैट्रिक्स में या और जगहों पे नहीं घुस सकते थे वो ट्रबल्ड किस्म के बच्चे हुआ करते थे उनका माइंडसेट कभी कभार उनके अंदर डिस्लेक्सिया होता था एडीएचडी होता था तो तालीम का जो एक निज़ाम है इस मुल्क के अंदर उसके अंदर इतनी ग्रेडियंट्स हैं इतने शेड्स हैं और इतनी पॉसिबिलिटीज और फेलियर्स हैं कि मैं उसी का एक एग्ज़ाम्पल हूँ उसी का एक, एक पैदाइश हूँ आप कहें कह लें कह ले, क्योंकि जो मेरी जर्नी थी एजुकेशन सिस्टम के थ्रू पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ही क्याटिक थी एक बुलियन के ऊपर बेस्ड थी जहां पे रट्टे के ऊपर ज़ोर था ज़ोर के ऊपर ज़ोर था कि अगर ज़ोर से नहीं सी, आसानी से नहीं सीख रहे तो डंडे मार के सिखाओ सल्यूशनस बेस्ड या आइडियाज़ बेस्ड वो एनवायरमेंट नहीं थी क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर फोकस नहीं था uh, ज़्यादातर एक ग्रुप थिंक के ऊपर फोकस था कि जी यही तरीका है यही सब कुछ है पाक स्टडीज़ हो इस्लामियात हो अंग्रेज़ी हो उर्दू हो स्ट्रक्चर्स हो बस छुको करो तो रिबेलियन की जो गुंजाइश है या एक्सप्रेशन की जो गुंजाइश है इन इधारों के अंदर नहीं थी एचएसएन के अंदर क्या था मुझे नहीं पता मैं अपने स्कूल का कह सकता हूं मगर यहां पे वो ग्रुप थिंक वो सक्सेस ड्रिवन थिंक फॉरेन कॉलेजेस पैसा ये सब कुछ वो ग्रामर स्कूल कराची के अंदर भी होता है अब यहां पर जाए और ये देखें आप कि यहां पर बच्चे कितने इंटाइटल्ड होते हैं इसी तरीके से अभी हाल ही के अंदर पिछले कुछ दिनों में आप हाँ एक स्कूल है क्रेसेंट या या ऐसे करके कोई स्कूल है अंदर वहां पे एक उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी आने वाली है कुछ ही अपने ग्रेजुएट ग्राजुए, ग्रेजुएटिंग क्लास की मेरे ख्याल से क्लास टेन या इलेवन के ये बच्चे थे और सैकड़ों की तादाद तादाद में यानी डजन ऑफ कार्स गाड़ियों में ये लोग निकले हैं फायरिंग इंसिडेंट हुआ है स्कूल को पहले से पता था उसने एक सर्कुलर भी शादी शाया कर दिया सस्पेंशन हुई मास सस्पेंशन हुई इन बच्चों की पता लगा कि जी ये बड़ी कनेक्टेड फैमिली से हैं कुछ का मिलिट्री के अंदर भी ताल्लुक है कुछ का आ, शायद फ्यूडल फैमिली से भी ताल्लुक हो क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है वो तो एक ऐसा स्कूल है उसकी तीन चार पे ब्रांचेस खुल गई हैं ना मुझे उसका भी फिलहाल सही नाम याद नहीं आ रहा मगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाह चाह रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम जो है इस मुल्क के अंदर अभी उसकी जो सूरत हाल है बस अल्लाह ही इस किसी तरीके से चला रहा है आपके पास और एग्जाम्पल भी हैं दिटीजनस फाउंडेशन के स्कूल हैं uh, मगर यू नो ओवरऑल द एजुकेशन सिस्टम इन दिस कंट्री इज़ ब्रोकन और इसीलिए जो आपकी आउटपुट है क्वालिटी है लोगों की या स्टूडेंट्स की जो बाहर निकल रहे हैं इदारों से वो इतनी कम्पटिटिव नहीं है Um, कुछ फील्ड्स के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर हाँ कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाती है मगर जो बुनियाद रखी जाती है इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एच से लेके ग्रामर से लेके सेंट माइकल से लेके सेंट पैट्रिक से लेके द सिटीजन फाउंडेशन से लेके सैकड़ों की तादाद में स्कूल हैं एल मेस्टर से लेके इसके अंदर अच्छी एग्जाम्पल्स भी हैं मैं ये नहीं कह रहा कि बुरे एग्जाम्पल्स हैं सब क्योंकि आपके पास स्टेट फेल हो चुका है एजुकेशन प्रोवाइड करने में एक प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह एक मशरूम हो गई है ये चीज एजुकेशन तो चाहिए ना बच्चों को फॉर एग्जाम्पल इस एरिया में पीसीएचएस कराची के अंदर तकरीबन ब्लॉक uh, सिक्स के अंदर सिर्फ छब्बे स्कूल हैं जो केटर करते हैं क्लास वन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक और uh, उन स्कूल्स के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है uh, कोई पिक एंड ड्रॉप का निजाम नहीं है आप आए तो रोडे ब्लॉक होती हैं एक जगह पर सब चीजें चढ़ाई हुई है क्योंकि कोई एज सच सचिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर के ऊपर आज तक काम नहीं हुआ है खैर ये लंबा सेशन थोड़ा चल गया मगर थोड़ा पर्सनल था तो मैंने सोचा आपको बताऊं भी इसके बारे में आप क्या समझते हैं डू राइट सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर दिस कॉन्टेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्लीज प्रेस द बेल आईकॉन इज वेल अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़